दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद बखुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी मोहम्मद मुख्तार साहब की भी है, जो अमृतसर से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। मोहम्मद मुख्तार मेरा नाम है। कहते हैं कि ज़ात शेख मुख्तार, शेख आलमगीर था, और वालद साहब कहते हैं गोत भी थी, और वो कनेर कहते थे। मुझे नहीं पता वो क्यों कहते थे कनेर, कौन सी कौम है जो इंडिया में मुसलमान हुए और कब मुसलमान हुए। शायद ये आलमगीर के दौर में मुसलमान हुए, इसीलिए शेख आलमगीर कहलाए। पाकिस्तान बनने से पहले ही वो गवर्नमेंट सर्विस में आ गए थे, क्योंकि टेक्सटाइल के वो माहर थे, ट्रेन थे, तो उनको उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी थी कि ये लोगों को ट्रेनिंग दें टेक्सटाइल की, वीविंग की, डिज़ाइनिंग की। और एक पार्टी थी गवर्नमेंट की, खुद वो ट्रैवलिंग पार्टी थी, मुख्तलिफ जगह पे जाते थे और ट्रेनिंग देते थे। तो मेरा बचपन जो है वो हुशियारपुर तहसील, हुशियारपुर अगरचे गांव तहसील हुशियारपुर में, ज़िला हुशियारपुर में। पाकिस्तान जब बना उस वक्त तो मैं वहाँ था, लेकिन उससे पहले प्राइमरी स्कूल मैंने अमृतसर में वो दाखिला लिया और वहीं प्राइमरी पास की। उसे चार जमात की प्राइमरी होती थी। तालीम मेरी जो है वो शुरू होती है बाद में पिंडी गेट, आठवीं में था, सातवीं में था, सातवीं आठवीं वहाँ से की, नाइन्थ मैंने वज़ीराबाद से, टेंथ 333 तक ज़िला, ये आज कल वो तो बटेज सिंह है, उस वक्त ज़िला लैलपुर कहलाता था। हमारे गांव की सूरत हाल ये थी कि इंतहाई गुरबत थी। मैंने पूरे यानी छठी सातवीं मैंने वहाँ पास की है, छठी में पास किया, छठी वहाँ से सातवीं में था जब पाकिस्तान बना। तो मेरे गांव में मैंने गोश्त बिकता नहीं देखा, इसका मैंने यह कि गोश्त खा ही नहीं सकते थे, इतनी गुरबत थी। तभी तो वो वहाँ के लोग जो है पाकिस्तान बनने से पहले ही वो अपना इलाका छोड़ के बार में, जब बार आबाद हुई है, सांजर बार, गंजी बार, नीली बार, तो यहाँ आकर आबाद हो गए। तो मेरे गांव के चार गांव आज भी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे एक फैसलाबाद में, एक टोबा टेक सिंह में, एक शायद जंग में, एक बहावल नगर में वो मौजूद है। मैंने 1949 में मैट्रिक ये मिडल का इम्तहान दिया, तो वो एंग्लो वर्नैकुलर मिडल था, अंग्रेज़ी का भी इम्तहान साथ ही दिया। पाकिस्तान बनने के बाद एक साल तक तमाम मजामीन अंग्रेज़ी में होते थे, साइंस के ख़ास तौर पर, ये नाइन्थ से इंग्लिश मीडियम शुरू होता था। लेकिन पाकिस्तान के एक साल बाद 49 में स्विच ओवर किया और हमने अंग्रेज़ी को छोड़ दिया और उर्दू में तो मजामीन पढ़ाने शुरू किए, साइंस मजामीन। 14 अगस्त 1945 जब जापान ने सरेंडर किया और लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त ये कमांडर इन चीफ थे, तमाम इंडिया में इसकी मिठाई बांटी गई और स्कूलों ने अपने अपने फंडों से ज़ाहिर है वो मिठाई बांटी। लेकिन क्या पता था कि इसी दिन दो साल के बाद हमने बिल्कुल ही आज़ादी हासिल कर ली है, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था।
लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने ही फिर ये ऐलान किया था ना कि 14 अगस्त को ये पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान इंडिया आज़ाद होगा। एक ही दिन में कायद अजम ने भी ये कहा था कि 14 अगस्त, 15 अगस्त, वैसे एक्चुअली जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो 15 अगस्त है, लेकिन हम 14 अगस्त को मनाते हैं। तो वो जो उसने उसके सामने सरेंडर हुआ था वो उसको याद है, लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन उन्हीं दिनों में तहरीक पाकिस्तान जो है वो पूरे जोबन पे आ रही थी, पाकिस्तान बनेगा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, ये दो नारे तो मुझे याद है। गांव के नज़दीक एक सिखों का गांव था और उसको राजपुर भाइयाँ कहते हैं, मिडिल स्कूल था वहाँ, तो वो एक मील के फासले पे था। तो हम सुबह भागकर एक ही दो दफ़ा दौड़ लगाते थे, वहाँ पहुँच जाते थे, नज़दीक ही था, तो इकट्ठे जाते। पार्टियाँ बाजी बनी हुई थी, मुसलमानों की एक पार्टी थी, वो सारे जाट दूसरे, मेरा एक सगा चचा मेरे साथ वही पढ़ता था, छोटा था वो मुझसे एक साल पीछे था, वो उस पार्टी में था, लेकिन मैं खुद पार्टी का लीडर था। वो मेरी पार्टी में मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे। चूँकि ख़तरा बढ़ रहा था तो मैं ये अपनी नेफे में एक छुरी ज़रूर ले जाता था कि कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो मुकाबला करना पड़े तो वो मैं निकाल सकता हूँ। पाकिस्तान अनाउंस हुआ तो उसी वक्त ये फसाद, बल्कि उससे पहले फसाद शुरू हो गए थे, कत्लोगारे शुरू हो गई। ईद उल फितर के चंद दिन बाद, मेरा ख्याल 3 या 4 दिन बाद, कत्लोगारे जो है वो अरूज पे पहुँच गई और सिखों के जत्थे जो है वो मुसलमानों के गाँव पर हमले कर रहे थे। हमारा गांव भी चूँकि मुसलमानों का था, उसमें हिंदुओं के तो सिर्फ 2 घर थे, वो भी चले गए थे। तो हमारा जो सिखों का गांव था नज़दीक राजपुर भाइयाँ, उनके साथ मुआहदा हो गया था। आबादी हमारे गांव की कम हो गई थी क्योंकि 3/4 तो पहले ही यहाँ से लोग चले गए थे। वो जो रह गए थे उन्होंने मुआहदा किया हुआ था सिखों के साथ, राजपुर भाइयाँ के सिखों के साथ, मुअज़्ज़िन के साथ, कि अगर आप पर कोई हमला हो तो हम आपकी मदद करेंगे, अगर हमें ख़तरा हो तो आप हमारी मदद करेंगे। और उस दिन जब हमें ख़तरा महसूस हुआ तो गांव के सारे लोग, वो हालांकि ज़्यादा मेरा ख़्याल मैंने अंदाज़ा किया है वो 200-250 ही आदमी होंगे, औरतें मर्द बच्चे इतने ही होंगे, 250-300 ज़्यादा। तो हम लोग राजपुर भाइयाँ पहुँच गए कि आपने हमारे साथ वादा किया हुआ है, अब हमारी हिफाजत करें, ख़तरा था कि हमारे गांव पे हमला होगा क्योंकि नज़दीक एक और गांव था और वहाँ बडला उसका नाम था गांव का, वहाँ ख़तरा था कि अभी उसके नज़दीक सिख जत्था जो है पहुँच चुका है, ये हमें इतला मिल चुकी थी। तो हमने उनसे मदद मांगी, वो आपस में गुफ्तगुशनीद करते रहे और मगरब का टाइम जब हुआ तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि ये हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप जहाँ चाहें चले जाएं। तो उसी वक्त सारे वो लोग जो हैं और काम, औरतें मर्द बच्चे सब भागे जंगल की तरफ। तो मैंने मेरे पास मेरी बहन थी छोटी, उसको मैंने उठाया हुआ था, मेरे चचा ने मेरी परदादी को उठाया हुआ था, मेरी वालदा ने मेरे छोटे भाई को उठाया हुआ था और सारे जो हैं वो जंगल में, हमारे गांव के नज़दीक जंगल था, उस जंगल में जाकर छुप गए। लेकिन वहाँ जाकर किसी को कोई पता नहीं था कि कौन कहाँ है, हम अलग बैठे हुए हैं, मुझे कोई पता नहीं मेरी दादी कहाँ है, दादा कहाँ है, बाकी कहाँ है। तो सुबह के टाइम वहाँ, अच्छा वो यहाँ हम छुपे हैं, अभी छुपे हैं, तो मगरब के फौरन बाद उस गांव में आग जो है शुरू हो गई, आग लग गई, उन्होंने आग लगाई। और कुप्पे, आप शायद समझते हो कुप कहते थे, वो ये भूसा जो है उनको एक कुली सी बनाकर उसके अंदर वो बंद कर लेते थे, उनको पहले उन्होंने आग लगाई, लोग खौफज़दा हुए भागे। तो बाद में मुझे पता चला मेरा चचा और 2 उनके साथ और मुसलमान जवान, ये 3 आदमी जो है उनकी मदद के लिए पहुँचे। तो वहाँ देखा गया, वापस आकर बताया कि वो तो खुद भागे जा रहे थे, कोई मुकाबला नहीं हो रहा था। सुबह के टाइम सारे अपने जंगल से निकले हैं, अपने अपने घर आए हैं,
खाना तैयार किया है, शायद बाद दोपहर ये फिर रवाना हो गए। वहाँ नहीं रुके क्योंकि वहाँ रुकने का ख़तरा था कि उस गांव में हमला हो चुका है, कौन मरा, कौन कत्ल हुआ, कौन शहीद हुआ, सिख कोई मारा गया नहीं मारा गया कोई नहीं पता। वहाँ से पता चला कि एक गांव है उसका नाम था रिहाना, तो ये था कि वहाँ सारे मुसलमान इकट्ठे हैं, तो हम लोग भी रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में रात पड़ गई, तो रात एक उजड़ा हुआ गांव था, उस गांव में रात हमने गुजारी। दो तीन दिन ही नहीं गुजरे कि वहाँ भी हमला हो गया सिखों का, लेकिन गांव के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो जत्था जो है पूरे का पूरा गांव के सामने खड़ा हो गया। तो चचा जो है ना वो बच्ची लेकर चले, वो कहते हैं गांव से हम निकले उनके मुकाबले के लिए, तो 100 आदमी थे तकरीबन, तो जब आधे पे गए हैं जत्थे के मुकाबले में तो 50 रह गए, जब सामने खड़े हुए हैं तो तकरीबन 25 होंगे, कहते हम तकरीबन 25 थे। तो एक मुसलमान बाहर निकला है, धोती पहनी हुई है, उसने ललकारा है कि एक आदमी आए, सिख भी एक ही आया, उसके पास भी तलवार है, इसके पास भी तलवार है, दोनों ने जैसे तलवार के साथ अपनी करतब दिखाए। थोड़ी देर के बाद मुसलमान ने कहा रुको, वो रुक गया, तलवार उसने गाड़ दी और अच्छी तरह अपनी धोती जो है ना कस के बांध ली ताकि ये ढीली ना रहे, और उसके बाद अपनी तलवार पकड़ी है और उसके मुकाबला नहीं किया, सीधा छलांग लगाई और सिखों के अंदर दाखिल हो गया, एक को मार, दो को मार, तीन को मार, तो खैर वो फिर वहीं शहीद हो गया। एक और था जो शहीद हुआ, तो दोनों जो, लेकिन वो सिख फिर वापस चले गए अपने ज़ख्मियों को साथ लेकर। वो दो जो शहीद हैं उनको मैंने भी देखा, तो एहसास हुआ कि यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं। पता चला कि एक और गांव है, वो हमारे गांव से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर था, उसका नाम था बीबी की पंडोरी। पता चला कि वहाँ मुसलमान बहुत जमा हो गए हैं और वहाँ कैंप लग गया है और फौज आ गई है, वो हिफाजत कर रही है। तो वहाँ से फिर हम पैदल ही उस कैंप में पहुँच गया, वहाँ हमारे रिश्तेदार भी थे और हमारा गांव जो क्या वो नज़दीक भी था, तो अपने कोई ज़रूरत की अशिया जो है वो सिखों के घर में हमने महफूज रखी थी, वहाँ से हम ले आए, खाने पीने का अपना इंतज़ाम किया। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वहाँ कम अज़ कम हम 1.5 महीना रहे, और उसके बाद फिर ऐलान ये हुआ, वहाँ एक फ़ौज जो है उनके पास एक तोप भी थी, वो हमारे कैंप के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाती रहती थी और सिखों पर उसका बड़ा रोब था कि इनके पास तोप है वहाँ जाना नहीं है, वहाँ हमला नहीं हुआ। तो उसके बाद ये 1.5 महीना होगा या मैक्सिमम 2 महीने होंगे, तो हम चल पड़े वहाँ से, कि ऐलान ये हुआ कि पाकिस्तान अब वापस गांव में नहीं जाना बल्कि पाकिस्तान जाना है, और तरीका ये होगा कि पैदल चलना है, पहले होशियारपुर जाना, होशियारपुर के रास्ते एक आगे जगह है नसराला, तो नसराले तक हम पैदल आए, तो वहाँ तकरीबन 3 हफ्ते रहे। अब ये मेरा ख्याल महीना होगा सितंबर का एंड और अक्टूबर का शुरू, अक्टूबर ही होगा, तो वहाँ ज़्यादा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ठहरे। उसके बाद फिर पैदल रवाना हुए, रास्ते में हमने एक जगह और पड़ाव किया, वहाँ भी 1-2 हफ्ते। रास्ते में जिनके पास राशन नहीं था उनके लिए ये था कि वो ऐसे समझे कि ये खैरात की रोटी खानी, वो फौज जो है कुछ ना कुछ वो तकसीम करती थी या लोग आपस में बांटते थे। हमने खैरात की रोटी इसलिए नहीं खाई कि चचा मेरे चूँकि हकीम थे, तो वो मुझे याद है एक कैंप में नसराला नहीं था बल्कि उसका जगह का नाम था चूड़वाली, ये बॉर्डर है जलंधर और होशियारपुर का, वहाँ ये गांव है चूड़वाली। तो बाहर निकलते थे, बाहर निकलकर
किसी झाड़ी के पीछे किसी दरख्त के पीछे छुप के खड़े होते, इक्का दुक्का कोई सिख नज़र आया था तो उसको आवाज़ देते सरदार जी के कहकर, और अदब के साथ बुलाते और उनको कहते। अब अकेला वो जते थे सिर्फ जो हमला करने वाले, इक्का दुक्का आदमी हमला नहीं करता था, तो उनको कहते कि ये हमें आटा चाहिए और ये 5 रुपए का कि ये दवाइयाँ चाहिए, ये 5 रुपए आपके। तो एक दिन मैं भी उनके साथ एक दफ़ा गया हूँ कैंप से बाहर छुप कर खड़े होकर, तो उसने एक ने ये भी कहा अगर मैं ना लाऊं तो फिर क्या होगा भाई, ना आए तो क्या होगा। तो मेरे चचा ने कहा तुम्हारा धर्म जाने, तुम्हारा दीन जाने, धर्म मतलब है तुम्हारा ईमान। तो लेकिन धोखा नहीं खाया, दवाइयाँ भी आईं और वो आटा भी आया। तो इस तरह हम अपना आटा जो है ना मंगवाते रहे, दालें मंगवाते रहे, तो खुद अपना खाना तैयार करते। और कैंप के अंदर लोगों का इलाज हमारे चचा हकीम वो करते रहे। मुझे ये भी याद है दो आने की वो पुड़ियाँ देते थे, अमूमन हैज़ा फैलता था तो पेट की खराबी, उनके लिए वो दवाइयों की पुड़ियाँ बनाई होती थी तो वो 2 आने की पुड़ी देते थे, तो वो जो आमदनी होती उसी का राशन फिर ले लेते थे। तो इस तरह हम जलंधर के नज़दीक, वहाँ से चूड़वाली से जलंधर के नज़दीक गांव है, जुड़ा हुआ गांव है, उसका नाम है गढ़ा, वहाँ तक हम जब पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ भी 15-20 दिन रहे, फिर वहाँ से ट्रेन ने आना है, वहाँ से ट्रेनें चली, तो एक लंबी ट्रेन आई है कि सब इसमें बैठें और ये लेकर पाकिस्तान जाएगी। अभी हम सारे लोग बैठ गया जब, तो वो उसके 2 हिस्से हो गए, 2 टुकड़े कर दिए उसके उस ट्रेन के, आधी ट्रेन जो है ना वो रवाना हो गई, आधी ट्रेन वहाँ खड़ी रह गई। पता चला कि वो इतनी लंबी ट्रेन जो इंजन है वो नहीं खींच सकता इतने लोगों को, लोग छत पर भी बैठ गए ना, तो इसलिए उन्होंने आधी लेकर चले गए। तो आधी जो है शाम का जब वक्त हुआ तो फिर बाकी आधी जो है ना रवाना, तो मैं दूसरे में था। तो मेरे ख़ानदान के कुछ लोग, वालिद के ताया ताई, वो दूसरे गांव के थे अगर के, वो भी हमारे साथ ही थे, वो उसमें बैठे थे पहली गाड़ी में, वो चले गए हम दूसरी गाड़ी में। तो ये चली है तो सुबह के टाइम ये जो बॉर्डर क्रॉस किया हमने, अटारी कहते हैं, तो वहाँ आकर रेलवे स्टेशन के ऊपर गाड़ी जो खड़ी हुई पाकिस्तान में दाखिल हुई। तो मुझे याद है मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के मुझे याद नहीं मैंने कुछ कोई लफ्ज भी बोला या नहीं बोला, ज़ाहिर है अजहार तशक्कुर ही है, वरना बाहर निकलने का क्या मकसद था, ये था कि मैं खुली फ़जा में आ गया, खुशी में आ गया और खुश व खुर्रम। तो ये है पाकिस्तान बनते बनते जो हमने देखा, लाशें भी देखी, शोहदा भी देखे, खौफ भी देखा और लोगों की जरूरत भी देखी और खैरात भी देखी, एक दूसरे की मदद करते भी देखे। हमसे पहले जो रवाना हुए थे वो हमने वो दरिया अबूर नहीं किया, सुतलज, शायद सुतलज के अंदर या ब्यास के अंदर वो सैलाब आया और उसमें लोग बह गए। मैं अपने वालिद की बात बता सकता हूँ, ईद से वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले वो पिंडी गेब में थे, तो पिंडी गेब से उनके जहन में ये नहीं था कि पाकिस्तान बन गया है वो अब कोई ख़तरा है या नहीं है, वो यहाँ से ईद के लिए कपड़े वपड़े लेकर एक ट्रंक में वो लेकर वो गाड़ी पे बैठे लाहौर से और होशियारपुर पहुँच गए। होशियारपुर रेलवे स्टेशन आखिरी है, उसके बाद को हमालिया शुरू हो जाता है। मेरा ज़िला जो था उसके 2 तहसीलें मैदानी हैं, 2 तहसीलें जो हैं पहाड़ के अंदर हैं, एक का नाम ऊना था एक का नाम करशंकर था, ये दोनों पहाड़ के अंदर। रेलवे स्टेशन आखिरी जो है वो होशियारपुर है, वहाँ जब पहुँचे हैं तो वहाँ देखा तो रिश्तेदार और बाकी लोग, रेलवे स्टेशन भरा हुआ है, बेशुमार लोग हैं। तो ये मेरे वालिद पूछते थे भई आप क्यों यहाँ जमा हैं, आप रिश्तेदारों से पूछा आपको मेरे आने का पता था, उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम तो खुद जा रहे हैं यहाँ से,
पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इसी गाड़ी में हमने जाना। तो आदमी ने कहा ठीक है, फिर गांव में नहीं, मैंने कहा आप तो जा ही नहीं सकते अपने गांव में, 7 मील जो सफ़र है ये नहीं आप कर सकते, 8 मील, तो आप इस तरह करें इसी गाड़ी में वापस। उस गाड़ी में जब बैठे हैं नसराले से पहले, बल्कि ऐसे समझे 5-6 मील जब गाड़ी चली, वालिद बताते हैं उसके आगे रेलवे लाइन के ऊपर दरख्त काट के वो छापे और टहने बड़े बड़े वो आगे रेलवे लाइन के ऊपर रखे गए, और सिखों का जत्था भी वहाँ मौजूद है। लेकिन रेलवे जो इंजन का ड्राइवर रेल का वो समझदार था, उसने ब्रेक लगा ली वहाँ तक, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, तो वहाँ ब्रेक लगाई उसने, ब्रेक लगा के फौरन उसने वापस गाड़ी चला ली बैक, और बैक फिर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए तो बच गए। उन्होंने हमला अभी नहीं किया था तो ये वापस आ गए। तो वाले कहते हैं कि वहाँ ठहरे रहे, फिर एक सिपाही आया, उसने कहा मैं आपके साथ हूँ, जितने लोग हैं आओ बैठो, मैं लेकर चलूँगा, कोई ख़तरा नहीं है। वो ज़माना अंग्रेज़ों के ज़माने के लोग ट्रेंड थे पुलिस वाले, और लोग भी डरते थे। तो एक पुलिस का आदमी जो है पूरे गांव में जब दाखिल हो जाता था पूरे गांव को इकट्ठा कर सकता था, उससे लोग डरते थे। उसने कहा मैं मौजूद हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आओ। वाले साहब कहते हैं फिर गाड़ी में चंद लोग बैठे, बाकी नहीं बैठे, चंद एक लोग बैठे, बाकी डर गए। कहते वालिद भी बैठ गए। कहते हम जब वहाँ पहुँचे तो लकड़ियाँ, उन्होंने कहा उसने एक फायर किया, उसने वहाँ निकल पहुँच कर जत्था मौजूद था, उसने जब एक फायर किया तो सारे सिख भाग गए, वो जत्था भाग गया। तो उसने कहा लकड़ियाँ हटाओ, हटाई। उसके बाद कह लगे हमने जलंधर के अंदर से गुजरना है, अमृतसर में से गुजरना है, तो कोई आदमी बाहर ना झांके, सर बाहर निकाल कर ना देखे कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं, नीचे रहे, बल्कि सीटों के नीचे लेट जाएं ताकि पता चले खाली गाड़ी जा रही है, उधर से हिंदुओं को और सिखों को लेने के लिए जा रही है। तो कहते हैं हम सब लोग जो है, चंद लोग थे, बाकी लोग डर गए थे, वो नहीं, कहते हैं हम सारे सीटों के नीचे हो गए जब अमृतसर गुजरा, तो गाड़ी निकल गई अमृतसर। जब हम लाहौर पहुँचे हैं तो वालिद कहते हैं कि और गाड़ियाँ आई हुई थी मुसलमानों की, किसी का बाजू कटा हुआ, किसी का सर कटा हुआ, किसी का कुछ खूनों को, यही रेलवे स्टेशन लाहौर के रेलवे स्टेशन पर बहुत सी लाशें पड़ी, तो ये उन्होंने देखा। तो यहाँ से फिर वो पिंडी गेट, वालिद मेरे पिंडी गेट चले गए। हम तो बाद में जब आए हैं तो वो मैं बता रहा था कि आधी गाड़ी पहले पहुँची, तो आधी गाड़ी जब वहाँ मैंने बताया ना कि बाहर निकल के एक दफ़ा मैंने देखा, आज़ादी का सांस लिया, उसके बाद गाड़ी चली है। पहली गाड़ी जो है वो रेलवे स्टेशन पे रुकी थी, और हमारे जितने रिश्तेदार थे वो रेलवे स्टेशन पर रुक गए, हमें वो ले जाकर आगे ये कोट लखपत से भी आगे, ये वाल्टन से भी थोड़ा आगे ले जाकर गाड़ी खड़ी की, वहाँ से फिर हम निकले हैं गाड़ी से पैदल, फिर वापस आकर वाल्टन में रात रहे। तो लेकिन एक दूसरे को हमने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे को देख लिया था और इशारा कर दिया था, उनको भी पता चल गया था कि ये पहुंच गया है। नौजवानों को चाहिए, नौजवान छोड़े सारे पाकिस्तान के, वो लोग जिनके दिलों में इसकी कदरों कीमत नहीं है, तो वो इंडिया में ख़ास तौर पर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को देख लें, मुसलमानों की हालत को, और इंडिया के अंदर, बाकी इंडिया के अंदर जो लोग ये अकलियतें हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो शूदर हैं, चाहे वो कोई पारसी हैं, मुसलमान हैं, उनकी जो हालत है उनको देख लें, उससे ही अखज़ कर लें कि हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने लिए भी और कौम के लिए। पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों की हालत इज़हार क्या थी, और आज अगर देखना है वो जो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान बनाया है इसमें कोई हमें कोई नुकसान हुआ, नुकसान नहीं हुआ, इंतहाई फ़ायदा हुआ। ये जो महल्लात में हम रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रहते थे, पक्के मकानों में अब महलों में रह रहे हैं, शानदार मकान है हर एक का। तो अगर देखना है तो कश्मीर को देखें, मकबूजा कश्मीर को, 2 साल से ज़्यादा हो गया कैद है वो,
और जो उनकी हालत है वो आपके सामने है, और सारी अकलियतों की हिंदुस्तान के अंदर जो हालत है वो इंसानों की जैसे कहें इंसानियत से गिरी हुई हालत का भी है। तो पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, पाकिस्तान की के लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, ख़ानदान के लिए नेक नियति के साथ, दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी करनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान बढ़ेगा, तरक्की करेगा और सारे लोग इसी से दुनिया में हमारा भी नाम होगा, मुल्क का भी नाम होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।